दमोह के पथरिया में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीलदार को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे। दरअसल क्षेत्र में भारी बारिश से सोयाबीन को फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा पीला मोजिक रोग लगने से उड़द की हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पीला मोजिक रोग तेजी से आसपास के इलाकों की फसल पर पड़ रहा है। ऐसे में ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने किसानों के लिए जल्द मुआवजे की मांग की है। ये पिछले महीने लगातार भारी बारिश होने के कारण हमारे पूरे क्षेत्र में सोयाबीन की ये जड़ सड़ जाने के कारण फलियां इसमें फसल में नहीं आई हैं और उड़द और जितने भी खरीफ की फसल है वो खराब हो गई है। आज पूरे क्षेत्र के किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि जल्दी से जल्दी इसका सर्वे चालू किया जाए और किसानों को जो अधिकार है उनका मुआवजा प्राप्त करने का वो दिया जाए। हम सभी किसान साथी यहाँ तहसील परिसर में आए हैं। हमारे पूरे क्षेत्र की दमोह जिले की और पथरिया ब्लॉक की पूरी फसलें उड़द और सोयाबीन की खराब हो चुकी हैं। कोई सर्वे नहीं किया जा रहा। साथ ही बीपीएल के जो हितग्राही हैं उनके पात्र हितग्राहियों के भी नाम शासन ने काट दिए। अगर हमारी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो हम लोग इस आंदोलन को बृहद स्तर पर करने के लिए मजबूर होंगे। जल्द से जल्द सर्वे किया जाए, किसानों की ऋण माफी की जाए, यही हमारी मांग है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई है और उसके बाद अब बात कही जा रही है जिस तरह से कांग्रेस ने मुआवजे की मांग की है किसानों के लिए और वो कह रहे हैं कि एक बड़े इलाके में पीला मोजिक रोग लगने के कारण सोयाबीन की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को राहत देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने किसानों का कहना है कि पीला मोजिक रोग तेजी से आसपास के इलाकों की फसल पर भी बढ़ रहा है। ऐसे में यह परेशानी थमकर नहीं रह गई है। जितना नुकसान हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान और भी आगे देखने को मिल सकता है अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया। ऐसे में ज्ञापन के जरिए कांग्रेस ने किसानों के लिए आगे आई है और जल्द मुआवजे की भी मांग की है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे थे कांग्रेस के नेता। फसल हाथ में लिए हुए हैं, अधिकारियों को बता रहे हैं कि कितना संकट का समय है किसानों के लिए और किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए उन्होंने सोयाबीन की फसल के मुआवजे की मांग की है कि पीले मोजिक रोग से फसल को काफी नुकसान हुआ है और आगे और भी अगर इसको नियंत्रित नहीं किया गया, अगर इसको समझा नहीं गया समस्या को, तो अगले जो खेत हैं उन तक भी ये रोग फैलने की पूरी संभावना नजर आती है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है और ज्ञापन भी सौंपा है किसानों के पक्ष में जाकर कांग्रेस ने।